हेलो दोस्तों, आपने ये तो कई बार सुना होगा कि आपके विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, लेकिन कई बार ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि कैसे सिर्फ विचार करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, कैसे सिर्फ विचार करके हम अमीर बन सकते हैं। इन सब के जवाब हमें मिलते हैं एडविन सी बांस की इस कहानी में। हर किसी की तरह एडविन सी बांस इस नाम के नौजवान का भी यही सपना था कि वो एक दिन करोड़पति बन जाए। बांस की हमेशा से ही एक ही इच्छा थी कि वो 19वीं सदी के सबसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करे। वैसे तो ये बांस की सिर्फ एक इच्छा थी, अगर सिर्फ इच्छा होने से सपने पूरे होते तो बात ही क्या थी। बांस के पास न तो थॉमस एडिसन के पास जाने के पैसे थे और न ही उनके साथ कोई जान पहचान थी, लेकिन फिर भी बांस को अपने ऊपर अटूट विश्वास था कि मैं एक दिन थॉमस एडिसन के पास जाऊंगा और उन्हें प्रभावित करूंगा अपने साथ काम करने के लिए। फाइनली कुछ सालों के बाद बांस पैसे इकट्ठा करके थॉमस एडिसन के पास चले गए। यहाँ पे एक बात तो पक्की थी कि अपनी पहली ही मुलाकात में एडिसन बांस के साथ तो काम नहीं करने वाले थे। बांस को एडिसन की प्रयोगशाला में काम मिल गया। बांस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, एडिसन के लिए नहीं, इसलिए वो उदास जरूर हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ सालों के बाद थॉमस एडिसन ने एडिसन डिक्टेटिंग मशीन इस नाम से एक यंत्र बनाया। ये यंत्र आवाजों को रिकॉर्ड किया करता था। एडिसन को अब ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे बेच कर दिखाए। उस वक्त आवाज़ें रिकॉर्ड करने वाली मशीन का ज़्यादा काम नहीं था, तो इसीलिए उसे बेचने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में बांस ने आगे आकर जिम्मेदारी उठाई। एडिसन ने बांस की आंखों में चमक और खुद पे विश्वास देखकर उन्हें इजाज़त दे दी। बांस ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उन मशीनों को बेचना शुरू कर दिया और वो अपने इस काम में इतने कामयाब हुए कि वो कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए। बांस का ये सफ़र देखते हुए यही कहा जा सकता है कि सिर्फ विचार करने से कोई अमीर नहीं हो सकता, पर विचारों को सही दिशा दी जाए तो हर सपने को पूरा किया जा सकता है। बांस अपने सपने पूरे करने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि वो अपनी इच्छा को लेकर बिल्कुल क्लियर थे। उन्हें एडिसन के साथ काम करना था और उसके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी दांव पे लगाने को तैयार थे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आगे बताई हुई 6 बातें आपको ज़रूर सुननी चाहिए। सबसे पहली जो बात है, आपको आपकी सारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए ये सोच लीजिए। सिर्फ ढेर सारे पैसे चाहिए इतना कहने से काफ़ी नहीं होगा, एक नंबर डिसाइड कर लीजिए। अब जो दूसरी बात आती है, आपको जितने पैसे चाहिए उसके बदले में आप दुनिया को क्या देने वाले हो, इसको भी तय कर लीजिए। तीसरी जो बात आती है, आपको जो पैसे चाहिए वो कब तक चाहिए ये भी तय कर लीजिए। चौथी जो बात है, आपको एक प्लान बनाना होगा जिससे आपको अपने गोल को पाने में क्लैरिटी मिले। अब पांचवी जो बात है, आपको जितने पैसे चाहिए उसका नंबर आप लिख लो, कब तक चाहिए वो तारीख भी लिख लो और उसे पाने के लिए आप क्या करने वाले हो वो भी लिख लो। अब जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिन में कम 2 बार आपको लिखी हुई इच्छा को पढ़ना है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के ठीक बाद। और आपको इसे इस बिलीफ के साथ पढ़ना है कि आपके पास पूरे पैसे आ चुके हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि पैसे आने से पहले ही पैसों की कल्पना करना कठिन है, लेकिन जब आप अपनी इच्छा को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हो तो आपके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाती है। अगर आपको ये विश्वास है कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो आपके तय किए हुए वक्त में आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो।